हो सकता है, कहाँ हो सकता है? हाँ, मिल गया। क्लास 4 सेक्शन 2, यही मिलेगी इंग्लिश के टीचर। मिस, आई हैव अ क्वेश्चन। व्हाट इज योर क्वेश्चन बेटा? मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी अल्फाबेट के लेटर्स को हम लोग अपने अल्फाबेट के लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं तो उसे इग्नोर क्यों कर देते हैं? मैं क्लास टू से पढ़ती आ रही हूँ, मगर मुझे इतना समझ नहीं आया कि हम अल्फाबेट्स के लेटर को अपने इग्नोर क्यों कर देते हैं। मतलब कुछ समझी नहीं। मतलब आवर्ड का आवर्ड बोलते हैं, मगर उसमें एच रहता है, हावर्ड नहीं बोलते। तो ऑनेस्ट का हॉनेस्ट नहीं बोलते, तो इसका मतलब इग्नोर तो करना हुआ एच को। बेटा, हम उसे इग्नोर नहीं, सिर्फ साइलेंट कर देते हैं। है बच्चा, और ये ज्यादा कंफ्यूज हो गया। क्लास 4। बेटा, कम हियर बेटा। यस मैम। हिट इन द कैफेटेरिया। टेक। ओके मैम। जाएगा थोड़ी देरी बाद बच्चा वापस आया। मैंने टिफिन। थैंक यू बेटा। ये तो पूरा खाली है बेटा, ये तो पूरा खाली है। मैंने तो कहा था ये चंदी कैफेटेरिया, तो ये खाली कैसे? मैम, आपने कहा था कि इसमें एक मिनट मैम, मैं हेवन पहन लूं, हेवन से एनर्जी आता है। ये बच्चे भी ना मेरे टिफिन खा गए होंगे शायद। यस मैम, तो मैं कह रही थी कि आपने कहा था कि एच को इग्नोर नहीं करते, सिर्फ साइलेंट कर देते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर ईट को कि एच साइलेंट होगा तो उसे ईट बना के खा जो कैफेटेरिया में। हाय राम माता जी, ये बच्चे भी ना मेरा टिफिन खा गए। ये लो अपना हेयरबैंड पकड़ो, मेरा टिफिन। कैसे मैं अपने मूली की पराठे से खा के अपने प्रिंसिपल सर को बाद मार के बेहोश करूंगी? कैसे कल छुट्टी पाऊंगी?